छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हिरोली में पुलिस को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा रोड के किनारे लगभग 10 किलो का आईईडी बम लगाया गया था, जिसकी सूचना मिलने पर एसडीओपी किरंदुल कपिल चंद्रा और थाना प्रभारी कीर प्रहलाद साहू के नेतृत्व में बीडीएस टीम और सीएएफ की संयुक्त बल द्वारा नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईईडी बम को डिटेक्ट कर डिस्पोज किया गया। बता दें कि जवानों ने समझदारी और संयम दिखाते हुए सभी आईईडी बम को निष्क्रिय कर नक्सलियों के नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। वहीं इस अभियान में किसी भी प्रकार की कोई जनहानि भी नहीं हुई है। दंतेवाड़ा से संवाददाता चंद्रकांत सिंह क्षत्रिय की रिपोर्ट। ग्राम हिरोली से मड़कामीरास सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। इसी बीच आज सूचना मिली थी कि निर्माण कार्य में लगे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों द्वारा सुरंग, जिसे फॉक्सहॉल भी बोलते हैं, फॉक्सहॉल बनाकर आईडी लगाकर जवानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी सूचना के आधार पर थाना किरंदुल, सीएम हिरोली एवं चोलना का संयुक्त बल एवं बीडीएस का टीम आसपास के इलाके में उस बम को डिटेक्ट करने के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान उन्हें रोड के किनारे एक सुरंग का पता चला, जिसे बीडीएस टीम द्वारा डिटेक्ट करने पर पता चला कि वहाँ आईडी लगा हुआ है। तो मौके पर ही बीडीएस टीम द्वारा आईडी को डिस्पोज किया गया।